मार्च अप्रैल मई 3 महीने चाहे कुछ हो जाए आपको जाकर लेनी पड़ेगी रैंक। समझ पा रहे हो नहीं समझ? यू आर बिहेविंग लाइक एक मासूम सा बच्चा जो ये सोच रहा है कि मैं इतनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो आईआईटी वाले मुझे घर आके एक रैंक दे के जाएंगे। वो सुनहरा दिन कभी नहीं आएगा, रैंक आपको घर देने को ही नहीं आएगा। समझ में? वैसे ही नॉन सिलेक्शन का जोन होता है जिसमें बहुत सारे लोग रह जाते हैं। अपने आप को मानते तो नहीं है थ्रू आउट द सेशन वो कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, बट उनकी हरकतें उनको बता रही होती है बार बार कि बेटा पढ़ ले वरना मैक्सिमम लोगों के साथ ही रह जाएगा जिसमें तुझे डर लगना चाहिए बट लगेगा नहीं। समझ पा रहे हो? तो पढ़ाई करें प्लीज़। और जो तुम ये बोल रहे हो पैराबोला एलिप्स ये छोड़ दिया और वो सब, अभी तो टाइम है यार। अभी तो तू कोई सा भी चैप्टर बेसिक से जीरो से फर्स्ट से शुरू करके आखिर तक ले जा सकता है। जी एडवांस में तो अभी करीबन करीबन आवे समझो कि 2-2.5 महीने हैं। 4 जून को पेपर होगा। मार्च अप्रैल मई 3 महीने हैं और 3 महीनों में ऐसा नहीं है कि इतिहास नहीं बदला जाता, बदल दिया जाता है। इच्छा होनी जरूरी है, बातें सुनने से कहानियां सुनने से ये सब नहीं होगा, लग के करना पड़ेगा और अंदर से अपने आप को समझाना पड़ेगा कि अब मैं करूंगा ही चाहे कुछ हो जाए। चाहे कुछ हो जाए वाली फीलिंग जब आ जाती है ना तब आप एक बड़ा डिसीजन ले पाते हो, वरना अगर आप अंदर से ही स्ट्रांग नहीं हो, बोले यार करना चाहिए कि नहीं, पढ़ूं कि नहीं, आज आज रुक जाता हूं, तो ये सब वीक फीलिंग है और ये आपको डोमिनेट करती जाएंगी। और जो इस फीलिंग पे आ जाए चाहे कुछ हो जाए, बस समझो कि अब उसको हिलाना नामुमकिन तो नहीं बोलूंगा, बहुत मुश्किल है। और जितने लोगों ने आईआईटी जेई में अच्छी रैंक लाई है ना तो उन्होंने किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये चाहे कुछ हो जाए वाली फीलिंग उठाई है, या उस पर वो सोचे हैं, या फिर उस पर जाकर वो एग्री किए हैं कि हाँ सर नाउ इज द टाइम। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ज्ञान तो वैसे मैं एक को दे रहा था बट सबके लिए है कि चाहे कुछ हो जाए वाली फीलिंग पे आ जाओ। उसके बाद में फिर आपका जो अंदर से इंटरनल इतनी स्ट्रांग हो जाओगे ना फिर आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, छोटे मोटे एरर तो तुम देख ही नहीं पाओगे बिकॉज समझ में वो एक ही तुम ही तो हो। एक ही इंसान होता है जो बहुत कमाल कर जाता है, एक होता है वो नहीं कर पाता बिकॉज बस वो अंदर फीलिंग का ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। और जैसा कि मैं 50,000 बार पहले बोल चुका हूं, वो सुनहरा दिन कभी नहीं आएगा, रैंक आपको घर देने को ही नहीं आएगा, आपको जाकर लेनी पड़ेगी रैंक। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यू आर बिहेविंग लाइक एक मासूम सा बच्चा जो ये सोच रहा है कि मैं इतनी प्रिपरेशन कर रहा हूं तो आईआईटी वाले मुझे घर आके एक रैंक दे के जाएंगे कि बेटा लो आप सेलेक्ट हो गए। नहीं, वो वहीं बैठे हैं। समझ में? आपको लड़ झगड़ के, झगड़ना मतलब कंपटीशन से लड़ झगड़ के बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ते हुए वहां पहुंचना है, फिर वो आपको रैंक देंगे। समझ में? ठीक है, कोई देने आएगा नहीं, ये बात हमेशा याद रखना। कभी भी जिंदगी में कभी भी हो ना तो जब तुम्हें ऐसा लगे ना कि अब हो जाएगा, अब ये तो होने वाला है, आगे भी ये तो चलो अभी तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा पहाड़ आईआईटी जेई है, हमेशा याद रखिएगा घर पे कोई नहीं आएगा आपके और कोई तुम्हें फूलों की माला पहनाने घर नहीं आएगा, कोई तुम्हें पैसे देने घर नहीं आएगा, कोई तुम्हें रैंक देने घर नहीं आएगा, आपको जाकर लेनी पड़ेगी। समझ में? वहां जाकर स्ट्रगल करना पड़ेगा तब जाके चीजें हासिल होती हैं, इस बात को समझिए।